हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू पराठा। तो आलू पराठा बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बर्तन में एक कप आटा ले ली है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंध लेंगे। एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम गूंधेंगे। आटा को हम ना ज़्यादा टाइट गूंधेंगे और ना ज़्यादा नरम, मीडियम गूंधेंगे। तो देखिए, आटे को हमने गूंध लिया है। अब इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने 10 से 12 उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे कुछ देर के लिए भून लेंगे। गैस यहाँ पर धीमी कर देंगे। तो मिर्च को हमने कुछ देर के लिए भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे आलू। आलू को हमने तोड़ लिया है। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे। अब इसे मिला देंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस हम धीमी ही रखेंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच काला नमक डाल देंगे, 1 चम्मच उजला नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता और थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल देंगे। पुदीना पत्ता ऑप्शनल है। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक। अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस हम धीमी ही रखेंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो देखिए, आलू को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। तो देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। आटे को हम एक बार मसल लेंगे। चलिए, अब हम इसका पराठा बना लेते हैं। अब हाथ में हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे। अब इसे हम गोल कर लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से। अब इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे। अब इसे हम कटोरी के जैसा बना लेंगे। तो इस तरह से। अब इसमें हम आलू मसाला को भरेंगे। जितना इसमें आ सके उतना हम इसमें दबा दबा कर इसमें हम भरेंगे।
इस तरह से हाथ से इसे हम दबा देंगे। इस तरह से फिर से हम हाथ में सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम इस तरह से घुमाते हुए इसे हम बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से इसे हम इस तरह से इसमें मोड़ देंगे। फिर इसे हम हथेली की सहायता से इस तरह से गोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे। देखिए अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। बेलन में भी थोड़ा सा आटा लगा लेंगे। फिर से इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे। और इस तरह से इसे हम बेल लेंगे। इसे हम ज्यादा न मोटा रखेंगे न ज्यादा पतला। देखिए इस तरह से। देखिए न ज्यादा पतला है न ज्यादा मोटा। अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम सभी पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। आप जितना बड़ा बनाना चाहे उतना बड़ा आप बना सकते हैं, या छोटा बनाना चाहे तो आप छोटा बना सकते हैं। आप अपने अनुसार बना सकते हैं। अब हम पराठे को सेक लेंगे। अब हम गैस पर तवा चढ़ाएंगे। तवा को गर्म होने देंगे। तो अब तवा गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर पराठे को डाल देंगे। थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे। जब ऊपर से हल्का हल्का ड्राई हो जाए तब इसे हम पलट देंगे। अब ऊपर से हल्का हल्का ड्राई हो चुका है तो अब पराठे को पलट देंगे। अब इसके ऊपर तेल लगा देंगे। अच्छी तरह से फैला करके लगा देंगे। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे। फिर से इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसके ऊपर तेल लगा देंगे। फिर से पलट देंगे और दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से सिकने देंगे। तो अब पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अब हम पराठा को निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे।
आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।